पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने पथराव कर दिया। कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर जाते वक्त ये घटना सामने आई। नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की। वहीं देश भर से इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। कार के टूटे शीशे, कार के भीतर सीट पर चकनाचूर शीशे के टुकड़े और ये पत्थर, ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले की कहानी कह रहे हैं। कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर जाते वक्त टीएमसी समर्थकों ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की और पथराव कर दिया। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर भी पत्थर फेंके गए। एक बड़ा पत्थर उनकी कार के शीशे को तोड़ते हुए अंदर जा लगा, जिसमें वो घायल भी हो गए। साथ ही काफिले के पीछे पीछे बाइक से चल रहे दूसरे कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। आज हमारे 8 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन बच्चों के साथ है, वो बंगाल के बच्चे हैं। आप मेरे बुलेट प्रूफ व्हीकल पर देख सकते हैं, बाहर के विंडस्क्रीन में द इंपैक्ट ऑफ द ब्रिक। इट वॉज बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ व्हीकल दैट आई वॉज सेव्ड। बट कैलाश जी की का बायां हाथ फ्रैक्चर भी हुआ, और जिस तरीके से इनके इनकी गाड़ी को आप देखिए, कोई शीशा नहीं बचा है। पत्रकार हमारे साथ थे, दे मस्ट हैव सीन। मुकुल रॉय जी हैं, आप देख रहे हैं, इनको कोई बचा नहीं। ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुल दा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है, और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूँ कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बवाल मच गया। सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के सभी नेताओं ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इसे भाजपा की नौटंकी बताया है। लेकिन यह घटना लगातार बढ़ रही है और यहाँ तक बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको सुरक्षा भी है और उनके काफिले पर भी पथराव हो और उस पर अनदेखी सरकार की ओर से रहे, यह घोर निंदनीय है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है, गुंडों का राज आज पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से आज ये सिद्ध करता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये आवाज मध्य प्रदेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक जाएगी, और इस गुंडागर्दी का जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो देगा ही, पश्चिम बंगाल का एक एक नागरिक इस गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा है। ये लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है जिसे पश्चिम बंगाल की जनता सहन नहीं करेगी। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष और उपाध्यक्ष मुकुल राय ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। इधर भोपाल समेत देश की कई जगहों में जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय पर हुए हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी का पुतला जलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।